अमेरिका में अश्वेत किशोर ट्रेवन मार्टिन की हत्या के आरोपी 29 वर्षीय जॉर्ज जिमरमैन को बरी करने के कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते के बाद अमेरिका के 100 शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पिछले साल 26 फरवरी 2012 को अमेरिका के फ्लोरिडा में 17 साल के एक निहत्थे अश्वेत किशोर ट्रेवन मार्टिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी जॉर्ज जिमरमैन उस सोसाइटी का गार्ड था जहां ट्रेवन रहता था और जहां यह घटना घटी थी। जिमरमैन ने कहा था कि उसे शक था कि ट्रेवन एक आतंकवादी है, इसलिए उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चूंकि ट्रेवन अश्वेत था इसलिए श्वेत नस्ल के जिमरमैन ने मामूली कहा सुनी पर ट्रेवन को गोली मार दी। ट्रेवन को न्याय दिलाने की शिकागो, लॉस एंजल्स, मियामी और न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में हुई रैलियों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ट्रेवन के पिता ट्रेसी मार्टिन ने कहा कि नस्ली भेदभाव बंद होना चाहिए। शुक्रवार को अचानक बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में ओबामा ने कहा, अमेरिका में शायद ही कोई ऐसा अश्वेत व्यक्ति होगा जिसने जातीय भेदभाव का अनुभव नहीं किया होगा। When Trayvon Martin was first shot, I said that this could have been my son. Another way of saying that is Trayvon Martin could have been me 35 years ago. And when you think about why, in the African American community at least, there's a lot of pain around what happened here, I think it's important to recognize that the African American community is looking at this issue through a set of experiences and a history that that doesn't go away. इस बीच ट्रेवन मार्टिन की हत्या के बाद उपजे गुस्से और हताशा ने आत्मरक्षा कानून सहित बंदूकों की बिक्री और जातीय संबंधों पर भी देश भर में बहस तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।